हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कैसे उसका मीन और वेरिएंस निकालते हैं, उसका एमजीएफ कैसे निकालते हैं और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेंगे। सो स्टूडेंट, इससे पहले मेरे जितने भी प्रोबेबिलिटीज पे वीडियोज हैं लाइक रैंडम वेरिएबल के, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पे लाइक बाइनोमियल है, एक्सपोनेंशियल इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब मैं आपके यहाँ ले चुका हूँ। सो आप यहाँ आई टी बारह यहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट मेरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे रिलेटेड भी यहाँ पे वीडियोस अपलोडेड है, तो आप स्टूडेंट ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको रियली हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और कमेंट और लाइक ज़रूर करें, सो देट कि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट नेक्स्ट आगे लिख के आता रहूँ। सो स्टूडेंट देखिए, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स विच हैज़ द फॉलोइंग पीडीएफ। देखो यहाँ पीडीएफ वर्ड है बिकॉज ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी है ना, तो इसका जो पीडीएफ होता है वो होता है लैम्डा ए की पावर माइनस लैम्डा एक्स, वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो और एक्स की वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में होगी, इस कॉल्ड एक्सपोनेंशियल वेरिएबल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका यूज क्या होता है, आप बोलोगे सर इस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज क्या है, तो स्टूडेंट इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है, नॉर्मली जब हम क्यून थ्योरी की बात करेंगे, जब ऑपरेशन रिसर्च पढ़ेंगे, तो वहां जो अराइवल होता है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और जो सर्विस होता है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। सो ये जब भी किसी कस्टमर को सर्विस का सर्विस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है तो वो हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे से करते हैं ना। इस पे बेस्ट मैं आपको एक दो एग्जांपल लेके आऊँ जिससे आपको समझ में आएगा, है ना। अब बात करते हैं इसका मीन और वेरिएंस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरह से निकालते हैं। सो स्टूडेंट इसका जो मीन होता है ex is equal to क्या होगा यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x एफ एक्स डी एक्स। स्टूडेंट मीन का जो फार्मूला था इससे पहले बाइनोमियल और पॉइसन में वो यहाँ समेशन हुआ करता था, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पे डिस्क्रिट नहीं, कंटिन्यूस, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ, राइट ना। अब आपको यहाँ पे जो x दे रखा है वो कितना दे रखा है, जीरो टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी आ जाएगा, x एज इट इज है और ये कितना दे रखा है लैम्बडा e की पावर माइनस लैम्बडा x इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट लैम्बडा को बाहर निकाल दीजिए, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स डी एक्स। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं यहाँ गामा फंक्शन का यूज होगा, इस गामा और बीटा पे भी मेरे यहाँ वीडियोस आई टैब पे आप जाके देख सकते हैं। गामा फंक्शन का फार्मूला क्या होता है ये भी मैं बता दूं, एक्स जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एन फैक्टोरियल, या हम बात करते हैं गामा एन अपॉन ए पावर एन, ये इसका क्या होता है यहाँ पे एन माइनस वन ले लीजिए, है ना, ये इसका फार्मूला होता है गामा एन अपॉन ए पावर एन। तो बेटा ये देखो बिल्कुल एज इट इज दिख रहा है, यहाँ पे पावर वन ले लीजिए, यहाँ एन माइनस वन है तो ये गामा एन हो रहा है, तो ये वन है तो एक बढ़ लाइक एन माइनस वन तो एन हो रहा है, तो यहाँ वन है तो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी गामा टू अपॉन ए की जगह यहाँ पे कितना है लैम्बडा है, तो दैट इज लैम्बडा पावर टू, और गामा टू की वैल्यू होती है वन फैक्टोरियल और लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, तो यहाँ से इसका जो मीन आएगा दैट इज ई एक्स, उसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे वन अपॉन लैम्बडा आएगी, राइट। अब बात करते हैं वेरियंस, तो स्टूडेंट हम जानते हैं वेरियंस ऑफ एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, दैट इज यहाँ पे एक्स जीरो टू इन्फिनिटिव है तो जीरो टू इन्फिनिटी लेंगे एक्स स्क्वायर लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स डी एक्स, ये लैम्बडा बाहर निकालेंगे तो ये आएगा जीरो टू इन्फिनिटिव एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स डी एक्स, और गामा डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, गामा फंक्शन से क्या होगा एन माइनस वन है तो यहाँ एन आएगा, तो यहाँ टू है तो कितना आ जाएगा ये लैम्बडा गामा थ्री अपॉन लैम्बडा क्यूब हो जाएगा, और गामा थ्री की वैल्यू होती है एक्स से कैंसिल करूंगा तो लैम्बडा स्क्वायर बचेगा, और इसकी वैल्यू टू फैक्टोरियल होती है तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी टू अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, और स्टूडेंट ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा टू अपॉन लैम्बडा स्क्वायर माइनस वन अपॉन लैम्बडा का होल स्क्वायर, है ना, ई एक्स का वैल्यू वन अपॉन लैम्बडा है, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टू अपॉन लैम्बडा स्क्वायर में से वन अपॉन लैम्बडा स्क्वायर गया तो वन अपॉन लैम्बडा स्क्वायर आएगा, ये इसका क्या आएगा वेरिएंस आएगा। तो इस तरह से इसका मीन और वेरिएंस निकालते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका एमजीएफ किस तरह से निकालते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ पे इसका जो एमजीएफ है वो किस तरह से निकालते हैं। सो एमजीएफ का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स टी, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स टी एफ एक्स डी एक्स होता है, पर यहाँ पे एक्स जीरो टू इन्फिनिटी होता है ई की पावर एक्स टी लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स डी एक्स,
लेमड़ा बाहर निकाल दीजिए, जीरो टू इन्फिनिटिव। स्टूडेंट यहाँ पे माइनस एक्स बाहर निकालेंगे तो ये आएगा लेमड़ा माइनस वन इंटू डी एक्स। दैर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा ई की पावर माइनस एक्स लेमड़ा माइनस वन अपॉन लेमड़ा माइनस वन, जीरो टू इन्फिनिटिव। दैन हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, जैसे इन्फिनिटी रखेंगे तो स्टूडेंट ये जीरो हो जाएगा, और जीरो रखेंगे तो आएगा वन अपॉन लेमड़ा माइनस वन, देन लेमड़ा अपॉन माइनस अंदर चला गया तो वन माइनस लेमड़ा, इसका क्या आएगा मीन MGF आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम क्या निकालते हैं यहाँ पे MGF निकालते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट आगे देखिए अब कि किस तरह से यहाँ पे, अच्छा ये मैंने क्या करा यहाँ पे टी आएगा, सॉरी हमने एक्स कॉमन निकाला तो टी आएगा, सो ये टी आएगा, सो ये टी आएगा, सो ये आएगा टी माइनस लेमड़ा। अगर कभी आप इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पूछ ले तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या, तो उसका फार्मूला क्या होता है, इसको लिखते हम फाई एक्स टी, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स टी। सेम टू सेम यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, 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 तो इसकी जो फाई एक्स टी की वैल्यू आएगी वो आएगी लेमड़ा आयोटा टी माइनस लेमड़ा। ये इसका क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आएगा। तो इस तरह से हम MGF और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन और लूंगा, इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टेलीफोन कन्वर्जेशन इज एन एक्सपोनेंशियल वेरिएट विद द मीन 3 मिनट। यहाँ पर आपको मीन 3 मिनट दे रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉल एंड्स लेस देन 3 मिनट, टेक्स्ट बिटवीन 3 to 5 मिनट। तो यहाँ पे आपको दे रखा है लेमड़ा की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है, 3 मिनट दे रखी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो मीन है अब वो कितना दे रखा है आपको, देखो यहाँ पे मीन की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन लेमड़ा होती है, और ये आपको गिवन है कितनी 3। तो आपको यहाँ से जो लेमड़ा की वैल्यू होगी वो कितनी दे रखी है, 1/3 दे रखी है। तो हम इसका सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखेंगे, तो यह आएगा लेमड़ा ई की पावर माइनस लेमड़ा एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/3 ई की पावर माइनस एक्स बाई 3। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि एंड्स लेस देन 3 मिनट, तो आपको यहाँ बोल रहा है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होना चाहिए, लेस देन 3 मिनट पे क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो लेस देन 3 मिनट का मतलब क्या होगा, आपको निकालना है पी एक्स इज लेस देन 3, तो हम जानते हैं 0 to ∞ होता था, ये 0 to 3 जाएगा, है ना, एफ एक्स डी एक्स। नाउ क्या करेंगे स्टूडेंट, 0 to 3 1/3 ई की पावर माइनस एक्स बाई 3 डी एक्स। नाउ इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 1/3 ई की पावर माइनस एक्स बाई 3 माइनस 1/3 लिमिट 0 to 3। सो 1/3 से 1/3 कैंसिल हुआ, माइनस बाहर निकाला, एक बार 3 रखेंगे तो ये आएगा e की पावर माइनस 1, और एक बार माइनस 0 रखेंगे तो ये आएगा 1। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 e इसका क्या आएगा आंसर आएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है सेकेंड वाला क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, बिटवीन 3 to 5, तो आपको यहाँ निकालना है 3 से 5 के बीच में, तो ये आएगा 3 to 5 एफ एक्स डी एक्स। देन ये आएगा आपके पास 3 to 5 एफ एक्स की वैल्यू कितनी, 1/3 ई की पावर माइनस एक्स बाई 3 डी एक्स। नाउ 1/3 ई की पावर माइनस एक्स बाई 3 माइनस 1/3 3 to 5, ये 1/3 से ये 1/3 कैंसिल हो गया, माइनस बाहर निकालो ई की पावर माइनस 5/3 माइनस ई की पावर माइनस 3/3, सो माइनस अंदर जाएगा तो ई की पावर माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस 5/3, ये इसका क्या आएगा आंसर आएगा। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेरा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। इसके बाद मैं आपके सामने लेके आऊँगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, उस पर बेस्ड हम उसका मीन वेरियंस उसका MGF निकालेंगे। देन उसके बाद उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड एरिया प्रॉपर्टी, उस पर बेस्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट वो भी हम यहाँ पर बहुत जल्दी आपके सामने डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट मेरा जो कंटेंट है वो आपको हेल्प कर रहा होगा, और अगर आपको लगता है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरी जो लास्ट वाली स्क्रीन आ रही है यहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप सभी मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट थैंक यू सो मच।